गेट अंदर ले। सलाम सर। रम की बात आ रही? नहीं सर, ये तो पान है कच्चा पक्का 120। वारे मेरे जंजीर, तेरे को तो डॉग स्क्वाड में होना चाहिए। क्या साहब? हेडक्वार्टर से कोई मैसेज? नहीं साहब। एसीपी साहब? सो गए होंगे। और कुछ? वो विद्याधर ने खाना नहीं खाया। क्यों रे, आ गया बेवड़े? तुमने कुछ खाया नहीं, घर जैसा नहीं है लेकिन बुरा भी नहीं है। मैं भी खाता हूं। भूख नहीं मुझे। फिर तुम्हारी दवाइयों को क्या होगा? याद है बीवी ने क्या कहा था, अगर दवाइयां नहीं खाओगे तो जिंदा कैसे रहोगे? खाने और दवाइयों से नहीं, कैसे ओपन होगा तो जिंदा रहोगे? वो तो तुम करके ही रहोगे। अब खा लो कुछ। चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ कोई भूख हड़ताल पे नहीं हूँ और ना ही आपके इस लॉकअप में दम तोड़ूंगा। अभी बहुत दम है सीने में। तुम्हारी मर्जी। क्या देख, इस तरह से मत देखो मेरी तरफ। नफरत है मुझे तुम जैसे लोगों से, घिन आती है मुझे। तुम्हारी इस नजर से नपुंसक महसूस करता हूं मैं अपने आप को। साला जो काम मैं करना चाहता हूं, जिसके लिए वर्दी पहनकर पगार लेता हूं मैं, वो काम तुम कर रहे हो बिना किसी थकावट के। इस उम्र में कोर्ट में, पुलिस स्टेशन में, वकीलों के चैंबर में चक्कर काट काट कर चप्पल घिस गई है तुम्हारी। कपड़ों की तरह बदन पर झुर्रियां बढ़ गई है तुम्हारी। मेरी तरफ देखो, यूनिफॉर्म की स्त्री भी साली वैसी की वैसी है। हां, ये बेल्ट और ये पिस्तौल जंग खा रहे हैं। ये कैप ताज होती है हमारी। साला मैं इसका इस्तेमाल सर छुपाने के लिए करता हूं। घर में आईने के सामने खड़े रहते हैं ना तो ऐसा लगता है इस पूरी वर्दी में भी नंगे खड़े हैं। तुम्हारी यह नजर उस आईने से कम नहीं है विद्याधर। ऐसा लगता है जैसे तुम मुझे नहीं, दो टांगों में दुम छुपाए किसी कुत्ते को देख रहे हो। मैं मानता हूं मैं कुत्ता हूं, लेकिन इस तरह से देखकर बार बार मुझे उस बात का एहसास मत दिलाओ। हटाओ यह नजर और कुछ खा लो, मेरे लिए नहीं तो अपनी बीवी के लिए, कम से कम उन दवाइयों के लिए। फिक्र है आप, अपनी आंखों में तुम्हारे इस नंगेपन को क्यों संभालूं मैं? मेरे पिताजी एयर इंडिया में काम करते थे, मगर वह काम करते हुए भी उनके पैर हमेशा जमीन पर रहे। मेरी माँ एक स्कूल प्रिंसिपल थी और उनके सबसे फेवरेट स्टूडेंट थे मेरे पिताजी। दाएं हाथ इस्तेमाल करो। सॉरी टीचर। कितनी बार सॉरी कहोगे? पाँव मत हिलाओ। अच्छा हुआ तुम अपने स्कूल से जल्दी रिटायर हो गई, वरना तुम्हारे बेचारे स्टूडेंट्स का क्या होगा? ये मत ही बस। चार दीवारें, छह गलियां, मुंबई के लैंग्वेज में जिसे नाका कहते हैं, वो पार्ला ईस्ट का एक चौराहा, कुछ पड़ोसी और वो दोनों, बस इतनी थी दुनिया उनकी। मैं
मॉर्निंग वॉक ही एक ऐसी एक्टिविटी थी जो रेगुलर थी। आज इन्हें देखकर ये विश्वास नहीं हो रहा है कि ये एक्सरसाइज करने से इतनी नफरत करते थे। देखो कैसे बेस्ट स्टूडेंट की तरह चुपचाप मां के सामने बैठे हैं। सर्दी थी। जी, अब नहीं है। इससे पहले कि मेरा दिमाग गर्म हो जाए, इसमें ठंडा पानी मिल सकता है? प्लीज। थैंक यू। अरे ये क्या कर रही हो? रह लूंगी तुम्हारे बगैर। ये दरअसल मैं ये सुमित तुम्हारे लिए बना रहा था। अच्छा, इसका मतलब अब तक तुम्हारे ध्यान में ही नहीं आया क्या कि मैं भी शक्कर कम लेती हूँ? अरे तो मैंने कब कहा कि? तुमने नहीं कहा, लेकिन मैंने सोचा अपने बूढ़े पति के लिए कुछ तो करूँ। बूढ़े होंगे तुम्हारे दुश्मन, मैं तो अभी भी बहुत डैशिंग हूँ। पिछले हफ्ते एक लड़की ने मुझे हैंडसम ओल्ड मैन कहा। चश्मा पहनना भूल गई होगी। जलने की बू आ रही है। ओके ओके, हैंडसम ओल्ड मैन, बचपना छोड़ो और ये पी लो। नो सुमी, ये मंकी कैप मैं नहीं पहनने वाला। बहस मत करो सुमी, बंदर लगता हूँ मैं इसे पहन करके। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? तुम्हें देखने के लिए कोई नहीं आता, चलो पहन लो। हैप्पी हैंडसम ओल्ड मैन। अमर ने भेजा। फिर से भी माँ, अब तो यही पहनूंगा मैं। वेरी कंफर्टेबल, वेरी एंड्यूरेबल। हाँ, लकी शर्ट। अच्छा, इन जूस। कल का टीवी न्यूज़ देखा क्या भाइयों? बाबा कल तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की फाइनल है, साला कौन देखेगा? साला क्या मैच था यार। 100 रन बनाया, जहीर ने 5 विकेट लिया, मैच ऑस्ट्रेलिया जीता। तुम्हें कैसे मालूम भाई? मैं तो टीम। मिसेस गोस्वामी बहुत फिट है। ये साला शी प्रेग्नेंट, इम्पॉसिबल। बिल्कुल फ्लैट टीवी है। अरे गिला, वो मेरा डिकरा का लेबोरेटरी में आई थी प्रेगनेंसी का टेस्ट करने के लिए। टेस्ट? मुझे मेरी आंखों पर विश्वास है, प्रेग्नेंट नहीं है यार। अरे विद्या, पहला महीना में कोई प्रेग्नेंट दिखता है क्या? क्यों साला, मेरी बीवी पहले हफ्ते से। अरे वो चिकन टिक्का बिरयानी है रो रहा ये आया पेज 3। मिसेस गोस्वामी प्रेग्नेंट। हाँ, अभी कंफर्म है न्यूज। हंसने के बाद भूख बहुत लगती है। चल शंकर, 4 बड़ा, 4 डबल शक्कर मार के जा जल्दी। लाए साहब। आज बहुत थक गए हैं, नहीं हम लोग बहुत अच्छा वॉकिंग किया आज। ए विद्या, वो तुम हम लोग को कुछ न्यूज के बारे में बोलने वाला था। हाँ, वो लेटेस्ट रिपोर्ट फ्रॉम यूके ये कहती है कि पैसिव स्मोकिंग से कोई खतरा नहीं। लेकिन भाई हम लोग सिगरेट पीते कहाँ है? नहीं नहीं भाई, आज पैसिव स्मोकिंग है, कल तेल और शक्कर की बारी आ सकती है। ओह माय गॉड, क्या हुआ सर? व्हाट, कल को अगर ये न्यूज आ गया कि विस्की इज नॉट रिस्की देन? अरे अरोड़ा, वो रिपोर्ट को मारो गोली। साला मेरा वाइफ लोग क्या सोचेंगी वो पहला क्वेश्चन। Nothing doing. अब से मैं सीना तान कर कहने वाला हूँ, मैं वही करूंगा जो मैं चाहता हूँ। ए शंकर, चल ऑर्डर क्या हुआ? आ गया साहब। हाँ ला ला, डबल चक्कर मारा कि नहीं? साहब वो मैं उधर क्या देखा? Thank you.
गया विद्या। गजरा सिर्फ मुस्कुराते चेहरे पर ही अच्छा लगता है। I'm sorry, Sumi. मैं जानता हूं मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। दिल नहीं, विश्वास। बहुत तकलीफ देता हूं ना तुम। क्या करूं सुमी, रोज रात को यही सोचकर सोता हूं कि सुबह उठ करके सारी बुरी आदतें छोड़ दूं, लेकिन नहीं होता। मैं तुम्हारी तरह स्ट्रांग नहीं हूं, लेकिन आज के बाद कोशिश करूंगा कि तुम्हारी तरह बन जाऊं, प्रॉमिस। कोई जरूरत नहीं मुझ जैसे बनने की। क्यों? क्योंकि मैं भी कमजोर हूं। जब तुम्हारा ध्यान नहीं होता मैं खाने में नमक डालती हूँ। क्या कहा तुमने? तुम नमक लेती हो? अरे पर तुम्हें सॉरी। अरे क्या सॉरी, तुम्हें मालूम है तुम्हारे ब्लड प्रेशर के लिए नमक कितना खतरनाक है? तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? बटाटा वड़ा और एक्स्ट्रा शुगर वाली चाय पीने वाले मेरे डायबिटिक हस्बैंड, कभी तुमने ये सोचा है? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? हम दोनों कितने सेल्फिश बन गए हैं। अकेले रहने की हिम्मत नहीं, इसलिए चाहते हैं कि दूसरे को कुछ ना हो। मेरे बाद तुम्हारा क्या, तुम्हारे बाद मेरा क्या, ऐसा सोचते हैं। पर पहले मरने की दौड़ भी जारी है। मैं वादा करती हूँ आज से नमक छोड़ दूंगी। और मैं शक्कर। कितनी अच्छी खुशबू है, पहनाओगे नहीं? हड्डियां मजबूत रखनी है कि नहीं, ये लो कैल्शियम आयरन ब्लड प्रेशर। पर ये है तुम्हारी विटामिन और ये डायबिटीज की गोली। ये विटामिन की तो कुछ नई गोली आ गई, क्या है ना? क्या है? नहीं आई है मार्केट में। अरे 800 रुपए बर्बाद कर दोगी तुम सुमी, मुझे क्या जरूरत है इसकी? मुझे है तुम्हारी। अरे मुझे जगाया नहीं तूने। क्या? अरे सुबह का 6:30 बज गया, मैं अभी तक सो ही रहा हूँ। सपनों में खोए हुए हो। जो मैं देख रहा हूँ वो भी किसी सपने से कम नहीं है मैडम। अरे क्या हो, चलो ब्रश करो। हाँ ताकि तुम जाके फोन ले सको। वैसे भी आज मेरी बारी है। हाँ हाँ पिछले बार भी आप ही की बारी थी। उफ, फिर शुरू हो गई तुम्हारी बहस। ठीक है, बात ही नहीं करना चाहिए। जा रहे जा रहे जा रहे। हेलो अमर, कैसा है तू? I'm fine, mom. मगर मैं तुम्हें क्यों पूछ रही हूँ, तुम्हारा फोटो देखा ईमेल में, बहुत कमजोर लग रहे हो। और होगा भी ना, रोज रोज पिज्जा और हैमबर्गर खा खा कर, और क्या होगा? मॉम, और इंडियन कुक का क्या हुआ जो मैंने कहा था? यहाँ से संजीव कपूर की रेसिपी बुक भेजो, नहीं तो। मॉम मैं कुछ बोलूं? हे भगवान, तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? थोड़ी सर्दी है मॉम। गरम दूध में हल्दी डालकर पियो। गरम दूध में हल्दी? मैंने अभी अभी ब्रांडी पी है मॉम। ब्रांडी? हाँ मॉम, यहाँ की सर्दी से सिर्फ ब्रांडी बचा सकती है या तुम्हारा हाथ का बना हुआ स्वेटर। इतनी सर्दी में तुम्हारे पास स्वेटर नहीं है? स्वेटर तो 10 है मॉम, लेकिन तुम्हारी गोद की गर्मी नहीं है। Hi Dad. Hey, how are you, young man? I'm fine. Mom को क्या हुआ? मैंने फिर से रुलाया। अरे नहीं, तुम तो अपनी माँ को जानते हो, वो ठीक है, don't worry. ये बताओ तुम्हारे रिजल्ट्स कब आ रहे हैं? एक आध महीने में। और आपकी गैंग कैसी है, Dad? Fantastic. अरोरा अभी भी मोटा है, भरूचा के पाँव में मोच आ गई है, और तुम्हारी फेवरेट प्रोशन जो है, वो प्रेग्नेंट है। मिसेस गोस्वामी प्रेग्नेंट है? और क्या? उसे कहो ठंड में ज्यादा बाहर नहीं घूमे। तुम्हारी माँ कह रही है खूब एंजॉय करो उधर, सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं करने का है, विदेश गए हो घूमो फिरो मौज मस्ती भी करो। यस सर, चलिए फोन रखता हूँ। ओके ओके, एक मिनट एक मिनट बात करूँ। ओके बाय सन, गॉड ब्लेस यू, बाय। वो सर्दी से इतना परेशान है और तुम उसे मौज मस्ती करने के मशवरे दे रहे हो। अरे सुमी,
अभी मौज मस्ती नहीं करेगा तो क्या प्रोविडेंट फंड मिलने के बाद करेगा? तुमसे तो बात करना भी बेकार है। ओके। अरे अरे सुनो सुनो, वापसी में स्वेटर के लिए वुल लेकर आना, ग्रे कलर का। और कुछ? अब जाओ, तुम्हारी गैंग इंतजार कर रही होगी। थैंक यू मैडम। क्या इंटरेस्टिंग है पेपर में, मुझसे बात ही नहीं कर रहे हो विद्या। लो फिर पेपर पढ़ते पढ़ते सो गए। चलो ऊपर जाके ठीक से सो जाओ। नहीं, पढ़ रहा हूँ। नहीं नहीं ऊपर जाओ, मैं अभी ये सब क्लियर करके आती हूँ। जरा देखो ना कौन है। नमस्ते भाई साहब। सुमी, मिसेस चितने साई है। आई। अरे स्वाति कैसे आना हुआ? अरे पूछो मत, कॉफी खत्म हो गई और जमाई बाबू आ गए। लाओ मैं लाती हूँ। अच्छा दीदी अभी आई है क्या? नहीं वो ड्यूटी पे है, लेकिन उसका फोन आया था सेलिब्रेशन के बारे में। एक साल नहीं हुआ शादी को और सेलिब्रेशन? शी, वो सेलिब्रेशन नहीं, वो नाटक। वो सेलिब्रेशन सुना है बहुत अच्छा है, अगले हफ्ते दीनानाथ में शो होगी, लेकिन वहाँ पे बहुत भीड़ होती है। विद्या दीनानाथ की मैनेजर को जानते हैं ना? मैं कह दूंगी, लेकिन इस बार पैसे लेने होंगे। हाँ नहीं नहीं नहीं, पिछली बार भी तुमने ऐसे किया था। बस चुप। अपना गुस्सा तकिए पे क्यों निकाल? तुमने सुना स्वाति ने क्या कहा? सुना? इस बार पैसे जरूर लेना, जैसे हमें बहुत मजा आता है उनसे पैसा नहीं लेकर। छोड़ो ना इसे। नहीं कुछ करो। ठीक है शाम को थिएटर जा रहा हूँ, टिकट ले आऊँ। हाँ हाँ, और आते समय बनिए की दुकान से उनका राशन भी लेकर आना, और कॉफी पाउडर जरूर लाना, उनका जमाई कभी भी टपकता है। अरे सुमी तुम इसमें समझाने की कोशिश मत करो, बहुत हो गया। हाँ ठीक कर रहे हो तुम, बहुत हो गया। ये स्वती ना ये फायदा उठाती है हमारा। तो ठीक है, एक दिन वो अमर को डॉक्टर के पास ले गए, याद है हम लोग काम पे थे और अमर सीढ़ियों से गिर गया था। इसका ये मतलब नहीं कि जिंदगी भर उनका कर्ज उठाते रहे। हफ्ते में चार दिन अगर उनके यहाँ खाना खाता था तो कौन सी बड़ी बात हो गई? यूज़लेस। बस बस इतना शर्मिंदा करने की भी जरूरत नहीं है। और सुनो शो के बाद उन्हें आइसक्रीम खाने ले जाएंगे, क्रंची वंची में। नेचुरल में चलते हैं ना। बाप रे इतनी दूर? नहीं पापा अच्छा रहेगा, एक्सरसाइज हो जाएगा, चल के जाएंगे। अरोरा कह रहा था कि एक नया फ्लेवर आया है, रम एंड रेजन, बढ़िया। अब रम का नाम सुनकर लेक्चर देना मत शुरू हो जाना, एक दो बूंद तो डालते हैं लीटर भर पानी। आपके बगैर मैं क्या करूँगा सर, ये अभी सोचना पड़ेगा। क्या कहना क्या चाह रहे थे? मैं तो अभी जा रहा हूँ। कहाँ? ये दुकान बेच दी मैंने, जमाना अभी पढ़ने का नहीं रहा, देखने का आ गया है। वो नानावटी के पास एक हार्डवेयर की दुकान खोल ली है मैंने। अरे पर मेरी पुरानी मैगजीन्स का फ्रेश स्टॉक कहाँ से आएगा? अब पुरानी दीवारों पर नए रंग लगा लीजिए पटौदन साहब। घनश्याम ने तो अपनी दुकान बेच दी,
मगर मॉम और डैड को एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ा। ये घनश्याम जो है ये मरेगा मेरे हाथों से। कौन है? अरे ये न्यूज़पेपर वाला, दुकान बेचने के लिए इसे निकाले की मिला था क्या? क्या हूँ? मुझे सोने दो विद्या। अरे कहाँ सो रही हो तुम सुमी, इतनी आवाज में कहाँ सो रही हो तुम? अरे अपनी आवाज तो बंद करो। हाँ मेरी आवाज तो बंद हो जाएगी, लेकिन उससे पहले मैं ये गराज बंद कर दूंगा। अब तुम उसे झगड़ा करने जाओगे? हाँ जरूरत पड़ी तो लड़ भी जाऊंगा उससे। पहले ये एयरलाइन इंडस्ट्री बंद करो। क्या? हर 10 मिनट के बाद ऊपर से हवाई जहाज जाता है, तुम्हें तकलीफ होती है? देखो सुमी, इसे मैं नहीं रोक सकता, लेकिन इसे मैं रोकूंगा। देखो सुमी, आप मुझे मत रोको। लैटकी लेते जाना, मुझे उठाना मत। एक्सक्यूज मी जी, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। देखिए ये रेजिडेंशियल एरिया है, 2 बजे दोपहर को आप इज्जतदार लोगों की नींद हराम कर रहे हैं। अगर आपने ये आवाज बंद नहीं की तो मुझे कुछ करना होगा इसके बारे में। क्या उम्र है आपकी? हाँ मेरी 35 साल की उम्र है। अच्छा, साल में 3 महीने जेल में रह चुका हूँ मैं। हड्डियाँ तोड़ने का बहुत शौक है मेरे को, दिमाग गर्म है और काम बहुत ज्यादा है। देखिए मैंने कसम खाई कि कोई लफड़ा नहीं करूँगा, ये कसम तोड़ने पर मजबूर मत कीजिए आप। नहीं 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 नहीं, नहीं। देखिए मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरी बीवी जो है वो जरा सी आवाज के ऊपर जाग जाती है। आपकी माँ की उम्र की है वो, हो सके तो ये जो हथौड़ा है आपका इसको थोड़ा सा आहिस्ते मारिएगा बस। अरे आपकी बीवी दोपहर को सोती है तो मैं अपना कस्टमर खो दूं? मेरी बीवी बच्चों को कौन खिलाएगा? नहीं नहीं आप बोलिए कि आदत बदल दे, नहीं तो मैं आके। नहीं नहीं नहीं, आपको जाने की क्या जरूरत है, इतनी सी बात तो वो बेचारी खुद ही समझ जाएगी। क्यों भाई साहब, है ना, तो कल्टी हो जाना जी। गुड डे। कहा था ना चाबी लेकर जाओ। तुम कहाँ सो रही? अब जाके आराम करो, मैंने बोल दिया उसको। लेकिन आवाज तो अभी भी आ रही है। हाँ वो उसने तुम्हारी बात नहीं मानी। हाँ धमका रहा था मुझे, मुझे डराने की कोशिश कर रहा था। अब कुछ करना हो? अब 2-3 दिन रुक जाओ, फिर भी तकलीफ होगी ना, फिर कुछ करना। हाँ? चलो तुम कह रहे हो इसलिए रुक जाता हूँ 3 दिन, वरना आज तो मैं इसको। चलो अभी तो आराम से सो जाते हैं। अच्छा भाई मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम आज। एक एक चाय और लेते ना यार। विद्या साला एक बात बता, आजकल तेरे को घर जाने को मूड क्यों नहीं होता है? हाँ तुम सुमी से झगड़ा किया क्या? सुमी से नहीं यार, वो अली से। कौन अली? वो साला मैकेनिक, 10 दिन पहले मेरे घर के बाहर आया, दिन भर काम करता है, सुमी सो नहीं सकती, तो मैंने उससे जाकर के बात की। तो धमकाया मुझको? क्या कहा उसने तुम्हें? मैं बोल रहा था साल में 3 महीने वो जेल में काटता है, हड्डी पसली तोड़ने की बात कर रहा है, रोज मेरा मजाक उड़ाता है, घर जाने का मन ही नहीं करता। क्या है विदेक, ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते, 2-4 दिन हैरान करेगा बस। लेकिन अगर उसके बाद भी उसने तुम्हारे साथ नाटक किया ना, तो हम उसे देख लेंगे। टिकरा यू डोंट वरी, हम लोग हैं ना साथ में। चलो 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 चलो। अली भाई चाय। हेलो नमस्ते अली भाई। हाँ नमस्ते नमस्ते, अभी क्या हुआ? बाइक ने फिर से दगा दे दिया। अरे बाइक क्या दगा देगी, थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में कोई भी घिसा पीटा ऑयल डाल देते। मगर अली भाई मैंने तो सबसे अच्छा ऑयल। ये देख ये आखिरी बार तेरी स्टोरी सुन रहा हूँ, ये मंगया ऑयल ले, अभी ध्यान से सुन।
एल्फ मोटो 4 गोल्ड ऑयल, इसके अलावा और कोई ऑयल डाला ना तो दूंगा टॉर्चर। यस सर। अभी देख तेरी बाइक क्या टनाटन चलने वाली है। अच्छा चलता हूँ अली भाई। होशियार होशियार होशियार, विद्याधर पटवर्धन साहब पधार रहे हैं। मैं डर गया, ये देखो। दोपहर को क्या करती है इनकी बीवी? सोती है। अगर वो उठ गई तो इन्हें गुस्सा आ जाएगा, और अगर इन्हें गुस्सा आ गया तो गैरेज बंद हो जाएगा। अब मैं भी डर गया। पलट। देर क्यों कर दी विद्या? लाइन लंबी थी। कौन सी लाइन? उफ़ो, इसका मतलब फिर भूल गए। ओ अच्छा, वो टेलीफोन बिल। हाँ, वो ले जाना भूल गया मैं। जेब में देखो। क्या बात है विद्या, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है आजकल? कान के नीचे बजा दूंगा एक दिन। इसको? इसको, ये अली, ये जो मैकेनिक है, रोज मेरा मजाक उड़ाते हैं लोग। चलो मारा मैंने इनको एक दिन धमकाया गलती की, लेकिन ये भी कोई तरीका है इसमें? हाँ? ये और इसके दो कौड़ी का स्टाफ हंसते मुझ पर रोज, बस भी बहुत हो गया। अब या वो रहेंगे या मैं रहूंगा। इट्स गोइंग टू बी वॉर। शांति 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 मेरे मेजर जनरल साहब। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। मैं फर्स्ट क्लास चाय बनाती हूँ, तब तक तुम चेंज कर लो। ओके? गया, गया तू, गया तू की बस। बचपन में मॉम की गोद छिपने की सबसे सेफ और वार्म जगह थी। कहा जाए तो वो हमारे घर की सोल्जर थी, और अगर घर पर कोई संकट आ जाए तो बस भगवान जाने। अली ने गलती की थी। तुम में से अली कौन है? तुम में से अली कौन है? हाँ, मैं अली हूँ। तो तुम हो अली? हाँ। अरे अरे अरे, क्यों बांधे हो? मैं आपको जानता भी नहीं। अरे जानते हो, मैं ही दोपहर को सोती हूँ, समझे? 15 साल मैं स्कूल में प्रिंसिपल थी, बिगड़े बच्चे मेरे सामने दुम हिलाते थे कुत्ते की तरह। विद्याधर मेरे पति है, अगर उनका कोई मजाक उड़ाता है तो वो मजाक मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। हुँ? आज से जब भी वो यहाँ से गुजरेंगे, मेरी नजर तुम पर होगी, समझे? अरे मुझे क्यों मार रही हो? शराब, मुझे क्यों मार रहे? तुम क्या देख रहे हो? और कोई काम नहीं है लोगों को तंग करने के सिवा। क्या अली भाई, गुड्डी को देनी थी ना एक आड़े हाथ की। चुप रे घुचू, मेरे माँ की उम्र की है यार। आज मेरी माँ मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती ना तो मेरा व्हाइट कॉलर बिजनेस होता। डॉक्टर अली असगर, इंजीनियर अली असगर। हेलो। हाँ, मैकेनिक अली असगर। अच्छा, भूल गया था। चलो गुड मॉर्निंग सर। अरे पटवर्धन साहब, गुड मॉर्निंग। 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 वॉक पे गए थे क्या? हाँ, ये थोड़ा इधर। चाय पियेंगे? हाँ? चाय पियेंगे? हाँ, अगर तुम्हें कोई तकलीफ ना हो तो। अरे क्या बात कर रहे हो, ये स्टूल लेके आ जल्दी, ये चाय लेके जा। बैठिए ना सर, बैठिए। सर वो रोज सुबह वॉक पे जाते हैं क्या? हाँ, सुबह 6 बजे निकल जाते हैं। अरे 6 बजे तो अपन उठता भी नहीं। तो क्या है, थोड़ा बजट करना पड़ता है। हाँ, इसलिए तुम एकदम फिट लगते हो। उम्र हो गया ना। ये अपने अली भाई को क्या हो गया? थोड़ा दोस्तों के साथ। कहा हो तुम? सुमे, सुमे, कहा हो तुम? सुमे,
करा। फिर से करना पड़ेगा। बिल भरा कि नहीं? कौन सा बिल? फिर भूल गए? अरे भूला नहीं हूँ मैडम, डबल बिल भर कर आ रहा हूँ और साथ में वसूली भी मिली है। मतलब अली एकदम बैटरी डाउन कर दी उसकी हमने। अच्छा? भीगी बिल्ली बन गया वो। आंखों में उसके डर था, शायद मेरी आंखों में खौफ देखने के बाद। सर कहकर बुलाया मुझे। क्या कहा? सर। मुझे देख करके वो हो गया, वो होता है ना वो दुम हिलाता हुआ कुत्ता। हाँ भाई भाई, वो भी पोमेरेनियन, एल्सेशियन नहीं, पोमेरेनियन। देखना भी अली ये क्या हो रहा है? सॉरी सर। ए टोनी आस्ते ठोकना, मालूम नहीं सर को डिस्टर्ब होता है। देखे? क्या बात है। वाह, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। उस दिन के बाद डैड किसी ना किसी बहाने अपने दोस्तों को गराज यात्रा करवा ही लेते। वो उनके लिए हीरो बन चुके थे। मुझे भी इच्छा थी उन लोगों में शामिल होने की। मगर मैं इन सबसे हजारों मील दूर लंदन में पढ़ाई कर रहा था। मुझे इंतजार था मेरे जन्मदिन का। मैं इस जन्मदिन पर घर आने वाला था। हेलो। हाय मॉम। अमर, मैं कितनी बेताब थी तेरी आवाज सुनने को। अभी से तेरी आवाज कुछ ठीक है। वो गरम दूध में हल्दी डालकर पिया था ना? मॉम, 60 सेकंड बचे कार्ड खत्म होने में। अरे नया कार्ड ले लेना। मॉम उसकी जरूरत नहीं है, मैं घर आ रहा हूँ अपने जन्मदिन पर। मॉम मॉम। अरे बाप रे, ये कैसे होगा ये सब? हाँ पिछले हफ्ते बताना था ना अमर, अब टाइम ही कहाँ बचा है? 40 सेकंड बचे कार्ड खत्म होने में। मॉम एक सेकंड, इनसे बात करो। क्या कहे? जन्मदिन में घर आ रहा है। सचमुच? यस डैड, फ्लाइट मंडे को है, रात को 1 बजे। ठीक है, हम पहुंच जाएंगे वहाँ। हम नहीं, सिर्फ आप। मैं कुछ समझा नहीं। मॉम को मत लेके आइए, आप अकेले आइए, मैं आपको आके सब समझा दूंगा। अरे तो मैं इधर क्या समझाऊंगा? आप मॉम को सिर्फ ये लो, कार्ड खत्म हो गया उसका। क्या हुआ, कब आ रहा है? सोमवार को। हे भगवान, ये लड़का ना भी बिल्कुल लास्ट मिनट में बताता है। इतनी तैयारी करनी है, पूरे घर में पेंट करना है। अरे अभी पिछली दिवाली तो पेंटिंग हुई है घर की। अमर, दिवाली से ज्यादा इम्पोर्टेंट। गांडा, अरे पेंटिंग ब्रश से करता है, लकड़ी से नहीं कर रहे। अरे पहले क्यों नहीं बताया तूने? अरे इसे क्या हुआ है? काई को टेंशन में बैठा है यार, चल ना। ए विद्या, वो की गल है यार, इतनी टेंशन में क्यों है? अरे तू फिक्र ना कर यार, अमर ध्यान दे, पहले सारा काम खत्म हो जाएगा। तब तक तो मैं ही खत्म हो जाऊं। अरे कैसी बातें कर रही है? तुम लोग नहीं समझोगे यार, ये अमर ने मुझे परेशानी में डाल दिया है। मतलब? इधर आओ यार। अमर जो विदेश से वापस आ रहा है, उसने कहा एयरपोर्ट लेने आ पाना, अकेले सुमी को मत लाना। अब सुमी बोल रही है कि मुझे भी जाना एयरपोर्ट। चलो बन गए सब, सुबह से काम कर रहे हैं, बहुत भूखे होंगे। हाँ देख लो कैसे टूट पड़ेंगे सब। सुमी को बोलना मांगता है, साला इतना लेट उधर रात को जाके करेगी क्या? चलो चलो वर्कर्स लोग, लेते एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेकफास्ट इज रेडी। अरे भाई ठंडा होने से पहले ले लो, क्या हो गया? अभी वो क्या है कि विद्या ने बोला कि तू एयरपोर्ट जा रही है अमर को लाने के लिए। अरे क्या? हाँ सुमी ऑफ कोर्स, क्या है देखो, सब लंदन का फ्लाइट लेट। अरे
उधर बैठ के इंतजार कितना देर तक करेगी विद्या? अरे कहीं बताओ नहीं बोल ले। 2 साल इंतजार किया अमर का, कुछ घंटे और सही। 4 घंटा वो कस्टम ऑफिसर लोग मेरा पांजे का चेकिंग किया, मेरा बहन बाहर इंतजार करती करती फेंट हो गया। बिचारी, लेकिन तुम मेरी फिक्र मत करो, विद्या एयर इंडिया में था, मैं ग्राउंड रियलिटीज अच्छी तरह से जानती हूँ। सुमित कभी तो किसी की बात सुना किया, हमारी उम्र भी बढ़ती जा रही है, और वैसे भी जब वो आएगा तो रात भर बैठकर जब तक दूध वाला नहीं आ जाता तुम उससे बात करने वाली हो। नाश्ता वहाँ रखा है, खाना है तो खाओ। चलो तेमिर हुसैन सिंह, चल पोहा खाने पेंटिंग शुरू कर। चल यार ये तो खा लो, इसे पेट पूजा के बगैर ना रह जाए कहीं। ये सब बुड्ढे लोग एकदम से शांत कैसे हो गए? पता नहीं यार, पूछ क्या था? ये मंगिया कपड़ा निकाल। क्यों बच्चा पार्टी एकदम चुप बैठे हो? आज कोई शोरगुल नहीं? अरे चलो भाई, फ्लाइट का टाइम हो गया है। ये लेडीज कितना टाइम लगाती हैं। सुमी, अरे जल्दी करो। क्या देख रहे हो? You're looking very beautiful. और तुम बिल्कुल जोकर लग रहे हो। क्या? कब तक ये शादी का सूट पहनोगे? क्या खराबी इसमें? अच्छा खासा जो है तंग हो गया। चलो। अच्छा एक मिनट, मैं जरा सा चख लूं। क्या? बस जरा सा टेस्ट करूंगा और कुछ नहीं। क्या बोल रहे हो? ठीक है रख लो अपने लाडले बेटे के लिए, मेरा तो कोई वैल्यू नहीं है ना इस घर में। विद्या मुझ में पेशेंस नहीं है, साफ साफ बताओगे? मैं गाजर का हलवा थोड़ा टेस्ट कर सकता हूँ। क्या गाजर का हलवा? बनाया नहीं तुमने? मैं क्यों बताती? अरे अमर ने फोन करके कहा था बनाने के लिए, अब बाद में मुझे दोष मत देना। विद्या तुमने मुझे नहीं कहा। अरे 1 किलो गाजर जो मैंने फ्रिज में रखा हुआ, ये क्या सजाने के लिए रखा है? फ्रिज में तो हमेशा गाजर रहता है। अब क्या छोड़ कर बना लेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, एक चीज उसने मुझसे मांगी और तुम जाओ, तुम्हारे आने तक गाजर का हलवा बन जाएगा। मैं क्या अकेले जाऊं? हर जगह मेरे पल्लू पकड़ कर जाओगे। जाओ। हेलो। हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ। अमर आ गया? फोन दो उसको। अरे अभी बाहर नहीं निकला सुनी। तो फिर मुझे क्यों फोन कर रहे हो? बस आई वाज मिसिंग। मेरा हलवा जल जाएगा। 1 घंटा पहले प्लेन लैंड कर चुका, बाहर क्यों नहीं निकला अभी तक? जरा ठीक से देखो ना, कहीं भीड़ में खो गया होगा। सुमी ये एयरपोर्ट है, कुंभ का मेला नहीं। फिर शुरू हो गए। जरा ध्यान से देखो, दाढ़ी वाड़ी तो नहीं रख ली? नहीं, आज भी बिल्कुल तुम्हारी तरह लग रहा है। आ गया वो, फिर मुझसे क्यों बात कर रहे हो? टेलीफोन रखो और उससे मिलो। अमर, आप तो एकदम फिट लग रहे हो। अरे भाई हैंडसम और फिट बेटे का बाप हूँ, फिट ही रहूंगा। मॉम कैसी है? मॉम अच्छी है। अरे पर सुनो, हा? तुमने मुझे यहाँ अकेले क्यों बुलाया? डैड कुछ बात है जो क्या? मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ। हाँ हाँ। वो क्या है कि वो मैंने लंदन में ड्रग्स लिया। तुमने? नहीं नहीं, ड्रग्स नहीं ली, ड्रग्स नहीं। मैं वहाँ एक मिनट इधर आओ, वो लड़की घूर रही हमको। वो बेचारी सिर्फ नर्वस है। नर्वस मतलब? तुम जानते हो उसे? डैड जानता हूँ, इसलिए आपको मैंने यहाँ बुलाया। अमर तुम्हारी माँ तुझे और मुझे दोनों को एक साथ घर से बाहर फेंक देगी। शादी कर ली तुमने? शादी नहीं। हाँ शादी नहीं की है। बच गए। अरे लेकिन सुनो, शादी नहीं की मतलब
तुम और वो क्या बोलते हैं तुम्हारी भाषा में? लिविन, लिविन डैड। बस बस आज तो हिटलर की बंदूक चल पड़ेगी। क्या कर रहे हो? प्लीज प्लीज कुछ सोचो, अब मैं आपके भरोसे हूँ। प्लीज अब मैं तो राम भरोसे हूँ। अरे कदे पहले मुझे उससे मिलाओ तो सही। जेनी, दिस इज माय बेस्ट फ्रेंड एंड डैड, दिस इज जेनी माय एडिक्शन। नमस्ते। पूरा कोर्स करके आई हो तुम। You know how to speak Hindi? थोड़ा थोड़ा। Okay, okay. देखो जेनी, हमारा ये जो देश है भारतवर्ष, ये बहुत ही शांतिप्रिय देश है। I know, Dad. मैं नहीं चाहता कि घर जाकर तुम्हारे इस विश्वास की धज्जियां उड़ा दी जाए। I'm sure everything will be fine. And Amar tells me you carry the जादू, जादू। जादू के चारा? जादू की छड़ी। चलो कम। चलो सच्ची तुम्हारी, तुम घर चलो बेटी, इसकी माँ जो है वो टीचर थी, छड़ी चलाएगी अभी तो तुम्हें पता चलो। जानती थी तुम ऐसे ही करोगे। क्या ऐसा? हमारे संस्कार तुम्हारे लिए कुछ मायने ही नहीं रखते। मैंने क्या किया मॉम? तुम अच्छी तरह से जानते हो तुमने क्या किया। वहाँ क्या देख रहे हो? मगर तुम्हें कैसे पता चला? बाहर 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 बाहर। शांत हो जाओ सुमीम, होता है ये कभी कभी। मेरे घर में नहीं। यही रुको बस। नहीं नहीं, मेरा वजन घटा नहीं है, इनफैक्ट आपका घटा है। वक्त पर दवाइयां नहीं लेती हो, खाना भी ठीक तरह से नहीं खाती हो ना। लेकिन अब मैं आ गया हूँ, 10 किलो वजन बढ़ाकर ही रहूंगा। Yes, boss. Foolish, ridiculous, preposterous, totally serious and unbelievably and unmistakably audacious. Watch. क्या हो गया तुमको अचानक? अरे आपको क्या हुआ है? कौन सी सदी में रह रही हैं आप? मैंने क्या किया? आपने क्या किया? अरे वो रोटी का टुकड़ा लेकर के उसके चेहरे के सामने से घुमा रही हैं, उसको टीका उसके माथे पे लगा रही हैं। ये घिसी पिटी फॉर्मेलिटी रखने के लिए उस बेचारे को घर के बाहर रख दिया तुमने? ये ट्रेडिशन है, परंपरा। ट्रेडिशन? दुनिया चांद से मंगल पर पहुंच गई है और हम लोग आज भी बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो 6 कदम पीछे चलते हैं। ये परंपरा नहीं, अंधश्रद्धा है। हाँ, श्रद्धा का तो सुपर मार्केट है हमारा देश, जिसका बेसमेंट अंधश्रद्धा के पार्किंग से फुल है। विद्या, मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। अरे सुमित, तुम समझना नहीं चाहते हो हमारी बात। क्या हो गया अगर किसी ने एक आध बार शराब पी ली, खा लिया मंगल के दिन नॉन वेजिटेरियन खाना, कौन सा पहाड़ टूट कर गिर पड़ा यहाँ पर? हो गया सुमित, हो गया एक हिंदुस्तानी लड़के को विदेशी लड़की से इश्क। इसमें बुराई बुराई क्या है? अमर? मॉम, यस। उसे विदेश में ही रखना। क्या कहा था मैंने, हमारे देश में उल्टी गंगा नहीं बहती है। जाओ जाकर छोड़ा उसे एयरपोर्ट। एयरपोर्ट? इसका मतलब तुम उसे यहाँ लेकर आए हो? अरे इंतजार कर रही है बेचारी बाहर। तुम बाप बेटे को शर्म नहीं आती? मॉम वो होटल में रह लेगी। मॉम शट अप, होटल में रह लेगी। और तुम? जी। फादर, फ्रेंड, फिलोसोफर, चांद, मंगल, पता नहीं कहाँ कहाँ से भटक के आगे बिल्ली के साथ, और वो बेचारी लड़की बाहर खड़ी है। अंधश्रद्धा का जो एक उदाहरण होता है वो आपके सामने है। चुप चुप, सुधरोगे नहीं तुम लोग। तुम यही खड़ी हो?
यही खड़ी रहना। उसका नाम जेनी है मॉम। लेकिन सबसे पहले बालों में तेल लगाना पड़ेगा। आई बी ग्लैड मॉम। मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हो। यस मॉम। सुमी भूख लग रही है, सारी बातें वहीं करोगी क्या? डिस्कशन तो जादूगर हो। क्यों? मैं सोच ही रहा था कि कल तुम्हारे हाथ का गाजर हलवा। सोच रहा था कल। अमर इतनी जल्दी भूल गए? तुमने तो कहा था फोन करके। मैंने नहीं तो ये भूल गया सुमी। मैं जेनी को देखते ही समझ गई थी कि तुमने झूठ कहा था। I'm sorry, लेकिन खा लो, ठंडा हो रहा है, मैं और लेके आती हूँ। मुझे क्या पता? डैड, मैं आपकी वाइन ले आया हूँ। Let's open it. हे वत्स, पहले मातेश्वरी से तो पूछ लो। तुम तो 15 दिन में चले जाओगे, हमें तो यही रहना है। डैड, एक ग्लास वाइन से क्या होने वाला है? सिर्फ एक? सिर्फ एक? क्या एक? नहीं, वो ऐसे ही जरा। मॉम, मैं और जेनी थक गए। अगर एक ग्लास वाइन हो जाए तो। ओके। अरे बाप रे, तुम्हें क्या हो गया? मैं भी बहुत थक गया। तुम सबसे ज्यादा मैं थक गई हूँ। 4 ग्लास लेकर आओ। मॉम संभाल के। संभाल के क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसके बालों में वाइन लगाकर तेल पी जाओ। ये बात अपने डैड से कहो, दिन में 4-4 प्लेट बटाटा वड़ा खाते हैं, तेल पीने की आदत इन्हें है। अरे सुमी, डोंट स्टार्ट नाउ प्लीज। नाउ यू डोंट स्टार्ट। चलो जेनी, हो गया। ओह थैंक्स मॉम। अब रोज रात का प्रोग्राम है ये। क्या, वाइन पीने का? तेल लगाने का। कम ऑन जेनी, बाप बेटे को गुड नाइट कहो। गुड नाइट। गुड नाइट। ये दोनों क्या हमारे साथ सोने वाले हैं? सिर्फ जेनी मेरे साथ सोएगी। व्हाई? क्योंकि तुम दोनों की शादी नहीं हुई है मॉम। No arguments. अरे सुमी, विदेश में ये दोनों एक साथ रहते थे। ये विदेश नहीं है। अरे यार, thank you son. आपकी मेहरबानी की वजह से 30 साल में पहली बार पति पत्नी अलग अलग कमरों में सोने वाले हैं। सिर्फ एक रात का सवाल है। सिर्फ एक रात? कल मंदिर में ये दोनों एक दूसरे को माला पहनाएंगे। Wow, sounds great to me. Jenny, when I asked you to get married, you said no. That's because you never oiled my hair. Thanks, mom. वरमाला पहनाएंगे, पहले कन्या पहनाएंगी। दिया
अब क्या हुआ? शॉपिंग करने गए थे या शॉपलिफ्टिंग? विद्या हम थक गए हैं और तुम्हारे जोक्स भी। होता है सुनी, उम्र के साथ ये सब होता है। तुम सिर्फ भगते चले जाओगे या कुछ मदद भी करोगे? देखो तो हमारे पसीने की कमाई आप लोगों ने कैसे उड़ाई। उड़ाई कहाँ है, बहा दी है गंगा में। एक दिन शॉपिंग गए हैं और तुम लोग शुरू हो गए। Wow. So, what do you think? ठीक है। पहनोगी तो और जचेगी। One minute. ये क्या है? Nose ring. तुम नाक पियर्स करोगी? Well, you didn't say anything when I got my belly button pierced for you. How about I make coffee for a friend? Hindi. मैं पत्ते बांटती हूँ। The coffee was so good, Dad. Thank you. ये बताओ जेनी, तुम और अमर मिले कैसे? No. Come on, Jenny. No, you tell. Okay. मेरे सेकंड सेमेस्टर के बाद मैं और मेरे दोस्त एक पब में गए। वहां पहली बार मैंने जेनी को देखा। Okay, ma'am. Don't touch me. I was just trying to be fresh. All bloody Indians always trying to take an opportunity. Are you okay, Jenny? Bloody Indian trying to get fresh. I was just trying to. I don't. Yeah, let's go. Come on, Jenny. Move. Yeah, man. Go on. Lovely, isn't it? Yeah. Hey, come on, Jenny. Yeah, give me a kiss, baby. Me. That's my shirt. You passed out last night. Yo. I think you have a hangover. I'm glad you were there. But I'm still an Indian. And I'm still human. उस दिन के बाद हमारी मुलाकातें बढ़ती गईं. And before we knew it, प्यार हो गया.
वेल डन अमर, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू. प्राउड? अरे वाह, पहले तो हमेशा गुस्सा किया करती थी कि ये लड़का जो है दूसरों के मामले में टांग अड़ाता रहता है, अभी प्राउड. वह जेनी कहाँ मिलने वाली थी? ब्रेव बॉय. आई थिंक इट वाज हिंदी. ओके, मुझे लगती है वो ड्रिंक्स के वजह से हिम्मत आ गया था. एक मिनट, तुम पिए हुए थे? ये मजाक कर रही है मॉम, यू कांट इवन टेक अ जोक. या आई नो. ओह माय गॉड, क्या हुआ? ड्रिंक से याद आया, साहिल के घर आज रात पार्टी है. और पार्टी का मतलब पीना जरूरी है. मगर जाना तो होगा. अरे तुम जाओ बेटे, तुम जाओ, लेकिन ज्यादा देर मत करना. अभी तक मैंने हाँ नहीं कहा. अरे सुमी, ये लड़का अपना भला बुरा जानता है, शादीशुदा हो गया अभी. और तुम नहीं हो? ओफो, शुरू हो गए प्रिंसिपल साहिबा. बस बस, इतनी खराब एक्टिंग की भी जरूरत नहीं है. तुम लोग जा सकते हो. थैंक यू मॉम. मगर ज्यादा कौन पीता है? हाँ, बचपन में भी ये कहाँ ज्यादा दूध पीता था. अच्छा, मैं दूध की बात कर रहा था. We are supposed to laugh. Guys, to Amar and where's Jenny? Jerry, cheers! Yes! Slow down, Amar. It's okay, Jenny. So, Jenny, कैसा लग रहा है? Great. To be married to a man you love, but still feel like getting married over and over again to the same man. No, no, you must be joking, Jenny. शादी great कैसे हो सकती है? What? मेरी देखो, झेल रहा हूँ मैं, झेल रहा हूँ. और तेरी बीवी भी. Shut up, Sunny, that's not fair. और रोहन, तेरा क्या हुआ? तुझे मालूम नहीं इसकी स्टोरी? Sandy, चुप कर. अरे बोलना है यार रोहन. नहीं, come on, tell us, we're all good friends here. ठीक है, एक लड़की थी जिससे मैं प्यार करता था, सोनिया. तो वो बाहर में डांस करती थी. So? मुश्किल ये थी कि मेरे बड़े भाई ने शादी कर ली. तो इसमें मुश्किल क्या थी? मेरे बड़े भाई ने सोनिया से शादी कर ली. तो इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा. Oh, that is so sad, guys. Come on. I'm sorry. मैंने उसे बोला हम लोग दूसरे बार में ट्राई करते हैं. Come on, guys. Can we please talk about something else? Okay, okay. कल रात रॉकस्टार पब में मेरी पार्टी है. क्यों? To celebrate my bachelorhood. अगले महीने मेरी शादी होने वाली है. Amar, enough. No. Today I'm gonna fish like a drake. Yes! 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 Such much us raat. I drank like a fish. Dusre din sar phat raha tha. Sharab se nahi. Mom ki firing se. Aisa lag raha hai jaise sar mein phachhoda chal raha hai. Jenny bata rahi thi. Kal tum aise pee rahe the jaise kal ho na ho. Haan. वो शाहरुख की पिक्चर देखी मैंने लंदन में. ये लो. सॉरी मॉम. जेनी कहाँ है? किचन में. क्या मॉम, वो क्या है ना, आज भी एक पार्टी है रॉकस्टार पब में. हाँ, वो सैंडी की शादी हो रही है ना अगले महीने, तो उसने स्टैग पार्टी रखी है. नहीं, स्टैग पार्टी क्यों? फिर तुम किसे ले जाओगे? जेनी को. जेनी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी. क्यों? क्योंकि मैं उसे एक शराबी के साथ नहीं भेज सकती. कम ऑन मॉम, एक दिन क्या पीली तुम तो. मॉम चलो दवा खा लो, सर में दर्द है. मैं चाहता था कि डैड को जादू करे मॉम पर, लेकिन उस दिन मॉम मैजिक क्या लॉजिक से भी कोसों दूर थी.
जेनी वहां नहीं जाएगी। अरे पर क्यों नहीं भाई? बस मैं कह रही हूँ इसलिए। सुमी ये दोनों बच्चे नहीं रहे, आप बड़े हो गए। बर्ताव तो ऐसे ही करते हैं। कम ऑन सुमी, ये तो तुम ज्यादा ही कुछ इज्जती कर रही हो। मैं परमिशन नहीं दे रही हूँ, फिर भी इसको जाना है तो जाए। You go, Amar. Actually, मैं नहीं जाना चाहती। Actually, मेरा भी मूड नहीं है जाने का। अरे क्या कह रहे हो तुम? क्या कहते हैं तुम्हारी भाषा में? अपने दोस्तों को लटका दोगे तुम? Dad, I won't hang up on my friends. They'll understand. मैं साहिल को फोन करके बोलता हूँ, मुझे लेने मत आओ। Think of the devil. अरे devil तो इधर गई। Dad. चलो। अरे जेनी कहाँ? जेनी नहीं आ रही है। क्यों? जेनी और मॉम डैड मेरी सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान कर रहे हैं। सरप्राइज है तो फिर बताएगी? बताया नहीं, उनके चेहरे पर लिखा है। कम ऑन लेट्स गो। क्या जरूरत थी? थोड़ा ओवर एक्टिंग कर दिया तुमने। और अगर उसको शक हो जाता तो? ना, कुछ शक वक नहीं होगा। तुम्हारा बेटा है, इतना इंटेलिजेंट नहीं है। बस किधर है? क्या अमर और साहिल कहाँ? रुक मैं फोन करता हूँ। ओके। हाँ रोहित, किधर है? हम लोग बस पांच सेकंड में पहुंच रहे हैं। पांच सेकंड मतलब आधा घंटा यार। हेलो हेलो, तो हमेशा घाई रहती है फोन रखने की। जितनी सांस थी छाती में सब भर दी मैंने इस पलों में। अरे भाई तुम लोग क्या कर रहे हो वहां पर? कोई डेकोरेशन की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। एक मैं अकेला मेहनत किए जा रहा हूँ, क्या हो रहा है यहाँ पर? पहली बार केक बेक करना है। कर रही हूँ। आशा के आई होप इट टर्न्स आउट वेल। Whatever you add love to will turn out well. Hindi. Rabalu. सुनो, जरा संभाल के पेट से वो। शिट यार, यहाँ पार्किंग हमेशा फुल होती है। तो उधर मैं पार्क कर गया। ओके घटिया इंसान हो तुम। और तुम क्या कहा तुमने उस जर्नलिस्ट से? जो सच है वो, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। गिरा दो उसे, पहले भी कह चुका हूँ। पास्टर, शादी का वादा किया था तुमने। गलती हो गई मेरी तो भुगतो अपनी गलती का नतीजा। 25,000 रुपए देकर खरीद लिया मैंने उस जर्नलिस्ट को। एक ही बच्चा था। देखो संजय, मेरी बात मानो, बच्चा गिरा दो। तुम्हें क्या लगता है अगर मैं उस जर्नलिस्ट को पैसा दे सकता हूँ, तुम्हें नहीं दे सकता? सच अ बास्टर्ड। सुमित,
अगर एक और मुझे फुलाना पड़ा ना तो मेरी छाती फट जाएगी, मैं कह दे रहा हूँ। हाँ वही तो मैं भी कह रहा हूँ, हम लोग डेकोरेशन कर रहे हैं या फुग्गे की दुकान खोल रहे हैं? तेरा ख्याल रखना जेनी, अपने पांव का भी और इनके पीठ का भी। अरे कुछ नहीं, मेरी पीठ को क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। एक्सरे रिपोर्ट लाऊं? ए सुमी, क्यों मेरा भांडा फोड़ती रहती है हर बार? वो छोटे कैंडल्स कहाँ हैं? कहाँ दिए तुमने मुझे कैंडल्स सुमी? अरे तुमको तो दिए थे मैंने। ये कहाँ तुमने मुझे, कहाँ है कैंडल्स? Don't worry, I'll get them. दे सुनो सुनो जेनी, एक ग्लास पानी मेरे लिए। Okay, anyone for coffee? मेरे लिए एक कप लेना। अरे आ गया। रुको। मैं जेनी को लेके ऊपर जा रही हूँ, उसको बताना हम दोनों सो गए। हाँ ठीक है, जाओ जल्दी। भैया भैया के भारी हो जाने चाहिए थी। शायद डैड को आखिरी बार देखना मेरे नसीब में लिखा हुआ था। ना डैड की पलकें चपक रही थी ना मेरी। ऐसा लग रहा था जैसे बेबस होकर हम दोनों एक दूसरे को मरते हुए देख रहे हैं। पागलों की तरह मन ही मन में मैं रो रहा था कि एक बार, आखिरी बार वो अपनी जादू की छड़ी चलाओ डैड, कुछ कहानी बनाओ, मौत को बेवकूफ बनाओ और मुझे यहां से घर ले चलो। मगर वो कुछ भी ना कर सके, बेबस आके सिर्फ देखती रही, धीरे धीरे दम तोड़ता हुआ उनका बेटा। Oh,
पटवर्धन कदम ने गोली मारी सर। व्हाट? तुम जानते हो हर्षवर्धन कदम कौन है? होम मिनिस्टर का बेटा है। पेपर्स में फोटो देखिए। ओ गॉड। एनी प्रॉब्लम इज इट? प्रॉब्लम? बहुत जल्द आप लोग मेरा फोटो देखेंगे पेपर में। ऊपर लिखा होगा श्रद्धांजलि। मैं कुछ समझा नहीं। मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं। पूरे 14 साल की सर्विस में पहली बार पुलिस की नौकरी से पछता रहा हूं। पूरे पुलिस फोर्स में हजारों इंस्पेक्टर्स हैं, सैकड़ों डिपार्टमेंट्स हैं, सैकड़ों पुलिस स्टेशंस हैं, मुंबई से लेकर गढ़चिरौली तक। लेकिन यह किस्सा मेरे ही पुलिस स्टेशन में होना था। मरने वाला तो मर गया, मारने वाले साले हमारे पीछे लगे। जब ये हादसा हुआ तब तुम वहां थे? जो कुछ भी हुआ मेरी आंखों के सामने। ये तुम कोर्ट में बता सकते हो? ऑफ कोर्स। क्या उम्मीद रख सकते हैं हम इस केस से? हमें पुलिस स्टेशन जाना होगा। क्या चाहिए आपको? पंचनामे की कॉपी। कल आना, फिर देखेंगे। इंस्पेक्टर साहब, आपके इस जवाब को मैं पुलिस डिपार्टमेंट का जवाब मान नहीं, मुझे कोर्ट में बताना होगा। सनसनीखेज घटना में दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक चश्मदीद गवाहों ने बताया है कि ये गोलीबारी हर्षवर्धन कदम ने की है, जो राज्य के गृह मंत्री विशन राव कदम के बेटे हैं। लेकिन हर्षवर्धन के वकीलों का कुछ और ही कहना है। उनके मुताबिक ये बात सरासर झूठ है। जब यह हादसा हुआ तब मेरा वकील पुणे में होटल कॉन्टिनेंटल में था। प्लीज, या हमारे नहीं अमर पटवर्धन जिंदाबाद के नारे होने चाहिए। एक आदमी जो अन्याय के खिलाफ लड़ते लड़ते शहीद हो गया, हमारे होम मिनिस्टर के आशीर्वाद से जो दहशत स्टेट में फैली है उसका करारा जवाब दिया। जो ये कहते हुए शर्म आती है कि यहां कुत्तों का राज चल रहा है। क्या हम इस दहशत को चुपचाप देखते रहेंगे? अगर मिस्टर पटवर्धन को न्याय नहीं मिलता तो आमरण अनशन पर बैठेगा ये श्यामराव राणे। हमें अकेला छोड़ दीजिए राणे साहब, हमारे दुख को एक राजनीतिक मुद्दा मत बनाइए। मुझे बदनाम करने के लिए विपक्ष इतना गिर सकता है ये मैंने कभी सोचा ही नहीं। अरे अच्छा हुआ उस दिन मेरा बेटा हर्षवर्धन पुणे में था, वरना ये लोग उसे घर से घसीट कर फांसी में तख्ते पे ले जाते। फिर भी अगर मेरे बेटे के खिलाफ जरा भी सबूत मिला तो मैं खुद उसे फांसी दी जाने की सिफारिश पहले करूंगा। और पुलिस को भी ऑर्डर दी गई कि इस केस की छानबीन वो बिल्कुल निष्पक्ष करे और पूरी तरह करे। कितना मांग रहा था शिंदे? 500। बाप का माल है? नहीं तो पाव भाजी की गाड़ी बंद करने के लिए बोल रहा था। सीधे लाइन पे आने का यही लफड़ा है? 6 महीने पहले बोलता था ना तो डाल देता पाव में। क्यों अनवर, फिर से लफड़ा शुरू? नहीं रे, वो शिंदे तकलीफ देता है। कुछ करना मत था भाभी, कल एक शाणे ने हमारे गाड़ी के ऊपर के बच्चे को कान के नीचे मारा। हमने सॉरी बोला। उसके हाथ पैर तोड़ने को जी चाह रहा था। ए, देख मैं छोड़ के चली जाऊंगी। हाँ। बोला ना तेरे को, अभी दुनियादारी बन, अब तू, मैं और अपना बच्चा। पुलिस की गाड़ी और यहाँ? अब देखो क्या करना है, अभी अपन पाव भाजी स्टॉल ओनर बन गए। साहब इधर किधर? कुछ काम है, चलो मेरे साथ। लेकिन साहब इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है। डरो मत, कुछ पर्सनल काम। साहब यहाँ का लेके आ रहे हो? साहब बोलो ना साहब, यहाँ है। अरे बताता हूँ, तेरे को ना घाई लगी रहती है। नहीं साहब, टेंशन तो आता है ना, पर अच्छा सब बंद कर दिया ना साहब। क्या बात है, अच्छा कारण दे दो। क्या साहब? पहले देखिए। मैं कहाँ देखूंगा साहब? अरे ठीक से देख दो। पहली बार देख रहा हूँ साहब। अभी आखिरी बार देखिएगा। गन फेंक। अनवर पहले गन फेंक। अभी क्या फायदा? साहब आप सब कुछ छोड़ दिया ना साहब। साहब साहब मैं आपके पैर पड़ता हूँ साहब। मेरी बीवी पेट से साहब। क्यों? नहीं साहब, 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 नहीं साहब।
कुछ खा लो विद्या। मुझे खाना नहीं। तुम्हारे नहीं खाने से मेरी शक्ति चली जाती है और अब तो हमें एक लंबी जंग लड़नी है। Amar is watching dad. He wants you to eat. सब कह रहे हैं प्लीज खा लो विद्या। सुमीन जस्ट स्टॉप इट, मैं बच्चा नहीं हूं। किचन ऑफिसर व्हाट्स हैपनिंग? वही पता करने आया हूं। एंड डोंट इंटरफेयर, मेरे पास सर्च वारंट है। बट व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? मिलने पर बता दूंगा। ये कोई तरीका है ऑफिसर? सुमीन करने दो इन्हें जो करना है। जानते हो ये क्या है? ड्रग्स। This is a mistake. No, ma'am. It's Colombia's finest cocaine. मैं जानता हूं तुम सब कुछ जानती हो। शिंदे पंचनाम बनाओ। तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। कुछ करो। खाना लगाओ सुई। अब लड़ने की शक्ति चाहिए। मुझे खुशी है कि सच्चाई अब सबके सामने आ गई और इसलिए मैं पुलिस डिपार्टमेंट को बधाई देना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर देसाई आपको बाकी डिटेल समझाएंगे। यस सर। कल हमें खबर मिली कि अब्दुल मलिक गैंग के दो शूटर्स एक ड्रग डील के लिए मुंबई आने वाले हैं। इंस्पेक्टर सक्सेना ने पुलिस पार्टी के साथ उनके लिए ट्रैप लगाया और जैसे ही वो आए उन्हें सरेंडर करने के लिए चेतावनी दी गई, लेकिन उन्होंने पुलिस पर गोलियां चलाई और उस मुठभेड़ में वो दोनों मारे गए। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने हमें बताया कि जो पिस्तौल उनसे बरामद हुआ उसी पिस्तौल से अमर और संध्या का कत्ल हुआ था। इस बीच पुलिस ने मिस्टर पटवर्धन के घर की तलाशी और उन्हें कोकेन का पैकेट अमर के बैग से बरामद हुआ। पुलिस को पूरा शक है कि अमर और उसकी बीवी जेनी एक इंटरनेशनल ड्रग डील के सदस्य हैं। जेनी को वहां से निकलना होगा जल्द। क्या उसे बहुत तकलीफ देते होंगे? तैयार हो जाओ, चलना होगा। सर, मिस पटवर्धन इज हियर टू सी यू। हेलो, थैंक यू वेरी मच। कम सिट डाउन। नाउ टेल मी मिस्टर पटवर्धन, what can I do for you? Sir, it is about Jenny, my daughter-in-law. Yes, Jenny. I was informed that she's been taken in for questioning. Yes, sir. She has not come home yet. She's still in custody. We have been trying all night to get her out. Sir, Jenny is a British citizen. Please do something. Poor thing. But you don't worry, I'll make sure that she gets out. But Mr. Patwardhan, your son got into a lot of trouble. My son was innocent.
The police didn't come to my house looking for drugs. They came to plant it there. All you know about the case is the police version of the story, and that's all that there is. Just a story. The truth is something else. Police have made their move. Now it is my turn. I'm not going to give up, Mr. Anderson. Just do me one favor. Help me get Jenny back to England. It is going to get very ugly here. Very ugly. क्या देख रहा है? पटक है। ए गधेलो, क्या हो रहा है इधर? कुछ नहीं सर। जाओ बाहर जाके चाय पानी पियो। जाओ। सो मिस जेनी, गुड इवनिंग। How are you? Would you like to have some tea, coffee, chilled beer? Don't touch me. You know, 10 charges I can put on you to keep you here more days. You are sick. Maybe, but I can help you. If you are going to compromise. सर मुझे छोड़ो उसे मिशनी यू फ्री टू गो आई डोंट हैव टू स्लीप विद हिम चलो जेनी घर चलेंगे सुमी तुम्हारी भलाई के लिए कह रही जेनी। अमर मैरिड अ ब्रेव गर्ल डैड आई एम नॉट स्केयर्ड तुम में हिम्मत है जेनी हमने अमर को खो दिया तुम्हें नहीं खोना चाहते बट दे हैव नो केस अगेंस्ट मी दे कांट डू एनीथिंग दे कैन और उसके लिए सिर्फ एक और सर्च वारंट काफी है हमारी हिम्मत तोड़ने के लिए वो तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे जेनी हम बूढ़े हो गए तुम्हें अगर कुछ हो गया तो हम तो टूट जाएंगे। अमर वाज माय हस्बैंड। प्लीज जेनी, अब बहस नहीं। जेनी टुक द फर्स्ट फ्लाइट बैक बहुत स्ट्रांग थी वो मगर सच्चाई को स्वीकार करके अपनी इच्छा के विरुद्ध लौट जाना हिम्मत चाहिए और समझदारी भी जो और लोगों में नहीं थी मिस्टर पटवर्धन आ गए कैमराज माइक्रोफोन्स एलिगेशंस अपने अपने हथियार लेकर लोगों ने हमारे घर पर कब्जा कर लिया था दरवाजे या खिड़कियां बंद हो गई तो टेलीफोन के जरिए उन्होंने मॉम और डैड का जीना हराम कर दिया जी नहीं इस वक्त मैं काम पे हूं कोई इंटरव्यूज नहीं जी नहीं मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता ये तो कोर्ट तय करेगी जी नहीं जज मेरा दोस्त नहीं है अमर निर्दोष था आपको मालूम नहीं जाते हैं आप।
स्वाति, आपके लिए फोन है। अच्छा तो ये लोग अब वहां भी पहुंच रहे हैं। जेनी का फोन है। जेनी। हेलो। हेलो जेनी। God bless you, Jenny. God bless you. Jenny pregnant. कुछ वक्त के लिए खुश हो गए थे मेरे मॉम और डैड, मगर दिन ब दिन उनकी टेंशन बढ़ती जा रही थी। मेरे केस लड़ने के लिए पैसे कहां से लाएंगे? मुझे याद है मैं हमेशा लंदन से उन्हें पैसे भेजा करता था। हेलो डैड, वो मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिए। हाँ हाँ मालूम है, वो 10 डिजिट का कोड है, मैंने बताया था आपको। हाँ हाँ भाई पता है, बहुत ही आसान प्रोसीजर है, कोई भी सेंटर में जाइए और अरे भाई पैसे मेरे पास आ गए इतनी जल्दी। अरे भाई वेस्टर्न यूनियन है इसलिए। मगर मेरे जाने के बाद सब कुछ बेच बाच कर पैसे जमा कर रहे थे। $5,000 होंगे तुम्हारे पास। कितने देने हैं? 60 शेयर बेच के 55,000 है। पिछले हफ्ते 80,000 दिए थे ना? सुमी असनानी बड़ा वकील है। हम बड़े लोग नहीं हैं। हाँ लेकिन जिसके लिए हम लड़ रहे हैं वो तो अनमोल है ना। अमर वहां 10 सेकंड बाद पहुंचता तो? या 10 सेकंड पहले। ऐसे वक्त टायर्स भी पंक्चर नहीं होते। साहिल को अगर पॉकेट मिल जाती तो शायद। मुझे उसे नहीं जाने देना था। हम साथ में उसका बर्थडे मना लेते। चाय पिलाओगी? चाय नहीं लाई? चाहिए थी। ओ, भूल गई। नहीं रहने दो, नींद उड़ जाएगी। थक गए? हाँ। कहा था? नहीं। डोरबेल बजी? नहीं।
कहीं जा रहे हो? नहीं, बस यूं ही। क्या बात है अली, तुम्हारी कोई लॉटरी लग गई या कोई तुम्हारे नाम कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी छोड़ गया? तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो? तुम लोग, तुम्हें अपने बीवी बच्चे का ध्यान नहीं? सर वो मैं, तुम्हें लग रहा होगा कि शोर मचाने से हमारी नींद उड़ जाएगी। ये सन्नाटा में जीने नहीं दे रहा। काम करो, शोर मचाओ, हमें एहसास दिलाओ कि सब कुछ नॉर्मल है। गाड़ियां खराब हो रही हैं, हॉर्न बज रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, मेरा बेटा भी। अगर दुनिया भर की गाड़ियां ठीक हो तो किसी एक दुरुस्त गाड़ी को लाओ, उसे खोलो, फिर वापस चलो। तुम्हारे पास जुड़ने को सब कुछ है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। फिर से जुड़ने के लिए तुम करो काम। पहले पुलिस स्टेशन, अब कोर्ट। देखो मॉम और डैड को कैसे शांत बैठे हैं, लेकिन क्या उन्हें इतनी आसानी से इंसाफ मिलेगा? जिस दिन मेरा कत्ल हुआ, हर्ष तो पूना में था। मिस्टर शर्मा, क्या आप बता सकते हैं कि 20 जुलाई की रात को क्या हुआ? उस दिन मेरी ड्यूटी कॉन्टिनेंटल बार में थी। रात को 8 बजे हर्ष अपने दोस्त के साथ बार में आया। मैंने खुद उन दोनों को वोडका और टॉनिक पिलाया और रात 11:30 बजे वो अपने रूम में चला गया। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, हर्ष अगर रात 8 और 11:30 के बीच पुणे में था तो रात 8:30 बजे अमर का कत्ल यहां कैसे कर सकता है? हमारा वकील इस लॉजिक के सामने कुछ नहीं कर पाया। नो क्वेश्चंस योर ऑनर। सत्ता की ताकत तुम्हें भगवान बना सकती है, डिफेंस लॉयर ये अच्छी तरह जानता था। योर ऑनर, ये तस्वीरें अमर के हत्यारों की है जो पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। कत्ल जिस पिस्तौल से हुआ वो भी बरामद हुई है। मैं इंस्पेक्टर सक्सेना को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। परमिशन ग्रांटेड। अनवर और बाबू एक ड्रग डील के लिए अंधेरी में आएंगे ऐसे खबर मिली थी, हमने ट्रैप लगाया। जब उन्हें सरेंडर होने के लिए कहा तो उन्होंने गोलियां चलाई। पुलिस से हुई मुठभेड़ में दोनों मारे गए, लेकिन मरने से पहले अनवर ने अपने बयान में यह कबूल किया कि उन्होंने अमर का खून किया था। ड्रग बॉसेस के काफी पैसे लौटाने थे अमर को, जब उसने देने से इनकार किया तो उन्होंने उसे मार दिया। देखा, सत्ता की ताकत ने सचमुच भगवान बना दिया था इनको, और मेरे डैड फिर भी शांत बैठे थे। विश्वास था उन्हें अपने लीगल सिस्टम पर।
कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। आप रो क्यों रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, तू अभी बच्ची है, क्यों दुख के साथ परिचय करना चाहिए? 6 महीने पहले बांद्रा की झोपड़ियों में आग लग गई थी। उस दिन माँ, पापा, बड़ा भाई सब चलकर मर गए। इससे बड़ा दुख तो नहीं देखूंगी ना अब। क्या सोच रहे हो? आ गई तुम, बड़ी देर लगा थी, बहुत भीड़ थी। ये लो गजरा। विद्या, अब तुम गजरा लेना बंद कर दो। क्यों? उल्लू बनाते हैं तुम्हें, ये देखो कितना कितना टेढ़ा मेढ़ा है। हाँ, नहीं, मुझे गजरा बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये गजरा तुमने बनाया? बताया क्यों नहीं? थैंक यू विद्या, हंसते हुए कितने अच्छे लगते हो। आशा ने मुझे जिंदगी का सबक सिखाया। आशा? हाँ, छोटी लड़की है, यहाँ जूस बेचती है, अनाथ है बेचारी। हम उसे, हाँ विद्या, हम उसे घर ले चलेंगे केस खत्म होने के बाद। जैसे ही साहिल ने विटनेस बॉक्स में कदम रखा, कोर्ट में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। हर्ष के लिए साहिल की गवाही मौत का पैगाम थी। जब तुम्हारे दोस्त अमर को रॉकस्टार पब के बाहर गोली मार दी गई, तब तुम वहां थे? जी। और तुमने कातिल को देखा? जी। क्या वो यही आदमी है? शायद। शायद? जी, आई एम नॉट टू श्योर, वहां काफी अंधेरा था। लेकिन अपने बयान में तुमने कहा था कि तुमने कातिल को देखा है। बट नॉट सो क्लियरली, ये हो सकता है और नहीं भी हो सकता। जी। नो मोर क्वेश्चंस योर ऑनर, योर विटनेस प्लीज। तो साहिल, पुलिस को दिए गए बयान में तुमने कहा कि कातिल का नाम हर्षवर्धन था। ऐसा लोग बोल रहे थे। लोग? जी, जो पब के बाहर थे, वो उन्होंने शायद इसे पहचाना था। और तुमने नहीं पहचाना? मुझे लगा कि हर्षवर्धन है। आई एम नॉट टू श्योर। झूठ बोल रहे हो तो? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। सस्टेन्ड। नो फर्दर क्वेश्चन। मैंने सुना उस लड़की के बारे में। क्या बोला वो? अंधेरे में दिखाई नहीं देता है।
बेस्ट फ्रेंड। अरे तुम बोलो ना अपुन को कब और कहां मुंह खुलवाने का है, पुलिस स्टेशन में, कोर्ट में, मंदिर में, मस्जिद में, पादरी के सामने। साले को ऐसा टोचन दूंगा ना तोते की तरह बोलेगा साला। नहीं नहीं नहीं। क्यों, तुम बड़ा ग्रेट आदमी है क्या, भगवान बन गए तुम, या वो जज को सपना आने वाला है सच्चाई का? हाँ अरे बोलो ना। अली चुप, ये मेरी लड़ाई है, मेरी जान भी चली जाए कोई दुख नहीं, लेकिन मैं किसी और से उम्मीद क्यों रखूं? साहिल अमेरिका दोस्त था लेकिन किसी का बेटा नहीं। जो उन्होंने किया ठीक किया, नॉनसेंस है ये। निर्दोष फांसी पे चढ़ रहे हैं, अमीर और अमीर हो रहे हैं, साला इंसाफ को सरे बाजार में नीलाम किया जा रहा है और आप कहते हैं कि कॉमन सेंस है। ठीक है मैं जानता हूं तुम्हारी जंग है, लड़ो जी भर के लड़ो, लेकिन कुछ हाथ नहीं आने वाला है। वो तुम्हारे घर के नीचे एक गैराज वाला है ना, उसका कोई सेंस नहीं, ना कॉमन ना अनकॉमन, सिर्फ एक चीज जानता है, तोड़ फोड़। कभी आवाज दे देना, समझा? विद्या, मिस्टर असनानी आए हैं। आइए मिस्टर असनानी। ये मेरे दोस्त अली। आइए बैठिए। अब क्या करें मिस्टर असनानी? अब क्या करें, साहिल ने तो केस एकदम बिगाड़ दिया। वो बहुत डरा हुआ था, शायद उन्हें धमकाया गया था। ये शायद कुछ मायने नहीं रखता, मैं कोर्ट में कैसे साबित करूंगा इसे? कैसे, इसी बात की तो फीस देते हैं हम आपको, देखते हैं कोई और गवाह हो तुम। मिस्टर पटवर्धन, ये केस अब सबूतों और गवाहों से बाहर जा चुका है, मुझे लगता है हम ये केस हार चुके हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। देखिए मैं आपकी यहाँ मदद करने आया हूँ, मेरी जो फीस बाकी है कुछ 1,00,000 रुपए के ऊपर, वो मुझे देने की जरूरत नहीं। बस ऐसे ही? नहीं मतलब इस कोर्ट के फैसले के बाद आप इस केस को एकदम भूल जाएंगे, ऊपर के कोर्ट में तो जाएंगे नहीं। मैं आपको भी कुछ कंपनसेशन दिलाने की कोशिश करूँगा। एक मिनट मिस्टर हसन। से निकलने के बाद अगर मैंने तुम्हारी गाड़ी का पीछा किया ट्रक से और मौका मिलते ही तुम्हें कुचल डाला, तो किसी के पास सबूत भी नहीं होगा कि मैंने इसे जानबूझ के किया, उसे एक्सीडेंट करार दिया जाएगा, थोड़ा सा फाइन लगेगा और 6 महीने की सजा। राइट। और अगर मैंने तुम्हारा थोबड़ा तोड़ दिया तो 3 महीने की सजा। आप जाइए, बस चला गया। ये सब कल बनवा दूंगा। और वो सारे सबूत और गवाहों के बयानों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि हर्षवर्धन कदम बेकसूर है। अमर पटवर्धन एक ड्रग पेडलर थे और इसी सिलसिले में उनका कत्ल हुआ।
अदालत को अमर के माता पिता के प्रति हमदर्दी है कि उनके बेटे की वजह से उन्हें इस उम्र पर यह तकलीफ उठानी पड़ी। यह अदालत बर्खास्त की जाती है। हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हम राष्ट्रपति जी के वहां जाएंगे, हम कुछ तो करेंगे। कुछ नहीं होगा सुमी, कुछ नहीं होगा। हम जहां भी जाएंगे एक ही बात सुननी पड़ेगी कि हमारा बेटा गुनहगार था। गिल्टी, गिल्टी, गिल्टी। तो क्या हमें भी धीरे धीरे ये मानना पड़ेगा कि अमर एक गैंगस्टर था? नहीं, हमें ये मानना होगा कि अब उन पर कोई विश्वास नहीं करने वाला। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। सुमी, कुछ नहीं हो सकता है। हमारे पास है भी क्या? हम सब कुछ बेच देंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमारा बेटा निर्दोष साबित करना है। इतना तो कर ही सकते हैं उसके लिए। हर्षवर्धन से मिलना है मुझे। मिस्टर पटवर्धन, सर ने आपको बुलाया है। सर, मिस्टर पटवर्धन। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू मारी। सॉरी आपको इंतजार करना पड़ा। आइए बैठिए। कुछ लेंगे आप? चाय या कॉफी? नहीं।
I'm sorry, sir. बस देखिए सर, जो हुआ उससे मुझे भी उतनी तकलीफ हुई जितनी आपको. बस वक्त ही खराब था. But I'm really very sorry about that episode. वो एपिसोड मेरा बेटा था हर्ष. उसकी जान लेकर कितनी आसानी से तुमने कह दिया I am sorry. It was an accident. आप मेरी भी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए. गांव का सबसे प्रतिभाशाली और इज्जतदार खानदान है हमारा. 5 बार MLA रह चुके हैं हमारे पिताजी, 3 बार मिनिस्टर. संध्या से मेरा मिलना जुलना कभी पसंद नहीं था उन्हें. भला एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस से हमारी बराबरी कैसे हो सकती है. मैं जवान हूँ, गलती हो गई मुझसे. एंड शी गॉट प्रेग्नेंट. पर मैंने उससे कभी शादी का वादा नहीं किया था और उसके लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार था. बट दैट बिच, वो मुझे और मेरे खानदान को बदनाम करने पे तुली थी. प्रिया से मैं सगाई कैसे तोड़ सकता था. समझाया मैंने सत्य, सुनना नहीं चाहती थी. और फिर वो एक पल का पागलपन चलाई बोली मैंने. ये हमारा निजी मामला था, क्या जरूरत थी आपके बेटे को बीच में आने की. और भी तो लोग थे वहां, क्या साबित करना चाहता था आपका बेटा. और मुझे अपने आप को बचाना भी तो था. मैं आपके बेटे को मारना नहीं चाहता था. I didn't even know him. It really was an accident. और उसे ड्रग डीलर बनाना वो भी एक्सीडेंट था. लेकिन मैं निर्दोष कैसे साबित होता. मेरे पिताजी की इज्जत तो कुर्सी कैसे बच पाती. मैं समझ सकता हूँ सर आप पर क्या बीती. इतनी समझ है तुमने. विश्वास कीजिए मैं बुरा आदमी नहीं, अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ. कैसे? जोशी, मैं मिस्टर पटवर्धन को आपके पास भेज रहा हूँ. वॉट एवर यू आस्क फॉर, गिव हिम कैश. नो क्वेश्चंस आस्क्ड. थैंक यू. मिस्टर जोशी हमारे अकाउंटेंट हैं. यहाँ से निकलकर उनकी दूसरी टेबल. तुम्हारे पैसे क्या हमें अमर वापस लौटा सकता है हर्ष? उम्र हो गई है हमारी, बस कुछ ही साल और जी. क्या करेंगे इतने पैसों का. कोई पीछे बचा भी तो नहीं है. यू हैव टेकन केयर ऑफ दैट. उस रात कोई गैंगस्टर नहीं मरा हर्ष, एक आदर्श बेटा मरा. देखो हर्ष, और नहीं रहा. और तुम्हारी फांसी चढ़ने से वो वापस नहीं आने वाला. हमें बस इतना चाहिए कि तुम स्वीकार करो कि वो निर्दोष था. मुझे कोई शक भी नहीं कि वो निर्दोष था. इस कैबिन के बाहर अपने स्टाफ के सामने जाकर के ये कह सकते हो हर्ष? तुम जानते हो ये मैं नहीं कर सकता. ठीक है, कल फिर ये सब कुछ तुम टीवी पे सुन लेना. क्या साबित करना चाहता था आपका बेटा. मुझे अपने आप को बचाना भी तो था. मैं आपके बेटे को मारना नहीं चाहता था. आई डिडंट इवन नो हिम. चला ही बोली मैं. तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? तुम्हें लगता है बूढ़े कि मैं तुम्हें इसे बाहर ले जाने दूंगा? ये मेरे बेटे की सच्चाई है हर्ष. मुझे लगता नहीं, मैं जानता हूं कि मैं इसे बाहर ले जाऊंगा. मैं चाहता तो बिना बताए इसे ले जाता, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी को धोखा नहीं दिया. यू इसके बिग बास्टर्ड. Sit down, Hush. आज तक इसे सिर्फ फिल्मों और तस्वीरों में देखा था. इस्तेमाल करने पर मुझे मजबूर मत करो.
ओके ओके, मैं तुम्हारी बात समझ गया। मैं अभी बाहर चलकर पूरे स्टाफ को सच्चाई बताने को तैयार हूँ, पर मैं तुमसे एक वादा चाहता हूँ। अगर आपको मार दूं तो घर जाकर अपने बेटे को क्या मुंह दिखाऊंगा? सिर्फ एक बेटा था हमारा, मेरे साथ चलना होगा। पांच मिनट दे सकते हैं आप मुझे? जी। सुमी की दवाइयां हैं अली, एक ब्लड प्रेशर के लिए दिन में एक बार, और ये विटामिन दो बार खाने के बाद, और ये कैल्शियम संडोस रात में। डायबिटीज है नहीं, ये है इनकी गोलियां, लेने से इनकार करेंगे, मगर प्लीज अगर जरूरत पड़े तो फोर्स करना। जाना होगा मुझे, इंतजार करूंगी।
बाद हमारी बिरादरी में सबसे रईस और इज्जतदार खानदान है प्रिया। समझा है मैंने संध्या को, सुनना नहीं चाहती थी, फिर वो एक पल का पागल पा चलाई गोली मैंने। ये हमारा निजी मामला था, क्या जरूरत थी आपके बेटे को बीच में आने की? This is a shocking piece of evidence. Yeah. It is a shocking piece of evidence, Your Honor. जब पूरे सिस्टम ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई तो अपने बेटे को निर्दोष साबित करने के लिए एक आम आदमी ने वो जिम्मेदारी उठाई। सभी ने अगर अपने कर्तव्य का पालन किया होता तो एक जिंदगी बच सकती थी। हर्ष आज जिंदा होता Your Honor, तो कौन जिम्मेदार है उसकी मौत का? मैं, क्योंकि मैं अपने बेटे को निर्दोष साबित करना चाहता था, या वो सिस्टम जिसने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया? मैं यहां आज अपने बचाव में कुछ नहीं कहना चाहता। बचाव तो आपको अपना करना है Your Honor, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि आपके पास वजह क्या है इस लापरवाही की। मिस्टर पटवर्धन, ये जाहिर है कि आपके साथ बहुत गलत हुआ। सिर्फ ये कोर्ट ही नहीं, सारा सिस्टम इसके लिए शर्मिंदा है। आपके बेटे ने जो किया, काश वो मेरा बेटा करता। खैर, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन पूरी लीगल डिपार्टमेंट की ओर से मैं सिर्फ एक शब्द कहना चाहता हूं, सॉरी। ये कोर्ट मिस्टर विद्याधर पटवर्धन को बेकसूर मानता है। ये! जज ने कहा कि मेरा बेटा निर्दोष है। पर ये बताइए मिस्टर पटवर्धन, क्या आप होम मिनिस्टर को कोर्ट लेकर जाएंगे? मैं उनके दुख को समझ सकता हूँ। But tell us, sir, are you going to ask for a compensation now? अमर निर्दोष है, यही मेरा compensation। सर ये बताइए कोर्ट में क्या हुआ? हटिए प्लीज, हटिए हटिए। कहा था ना मैंने, कोई इंसान महान नहीं होता, महान होती है चुनौतियां। आई एम एट पीस नाउ, संतुष्ट। इसलिए नहीं क्योंकि दुनिया समझती है कि मैं एक हीरो हूं। वो देखो, मॉम को जेनी के रूप में एक बेटी मिली और डैड को मेरी बेटी के रूप में बेस्ट फ्रेंड। देखो, मुझे अब भी याद है डैड मेरे साथ यूं ही खेला करते थे। गॉड, मुझे थोड़ी जलन हो रही है, मगर खुश भी हूं। डैड और मॉम को जीने का मकसद जो मिला, मगर मुझे यहां रुकने का मकसद नजर नहीं आ रहा है। जाना होगा। चल चलते जाए, चलना है कितने भी दुख हो सहना है। मिट्टी मिट्टी से मिल जाए, कलियों को फिर से खिलना है। तेरे ही कदमों से जीने की राह पाई है। सूने से आंगन में धुन प्यार की सुना।